आज के मुद्दे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि बार बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें कि युवा राजनेता और कांग्रेस का थिंक टैंक भी अब मनमोहन सिंह को बोझ समझने लग गया है, इसीलिए उनको हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है। और क्या है ये पूरे के पूरे जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, इस पर मामला देखते हैं रिपोर्ट। वर्तमान में राजनीति के मायने बदलते जा रहे हैं और युवाओं की राजनीति में अब भूमिका बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस में भी युवाओं की एक लॉबी सक्रिय है। ये लॉबी राहुल गांधी के इशारे पर काम करती है। सचिन पायलट, राजीव शुक्ला, संजय निरुपम, भंवर जितेंद्र सिंह और भी कई जैसे युवाओं की पसंद अब राहुल गांधी है, इसीलिए शायद इनको मनमोहन सिंह एक बोझ से लगने लगे हैं और यही कारण है कि मनमोहन सिंह को कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस का थिंक टैंक भी एक अलग से काम करता है जो सीधे तौर पर सोनिया गांधी के इशारे पर काम करता है, यानी कि युवा शक्ति पर मनमोहन सिंह की पकड़ नहीं है और थिंक टैंक पर भी नहीं, इसलिए मनमोहन को लेकर बार बार ये सवाल खड़े होते रहे हैं। वहीं मनमोहन सिंह को कमजोरी का भी खिताब मिलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के UPA 2 के काल की अगर बात की जाए तो पूरे कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले छाए रहे, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती रही, आर्थिक नीतियां भी विफल रही। कैसा रहा ये पूरा कार्यकाल, देखते हैं इस पर ये रिपोर्ट। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा और मैंने जब भी उनको कमजोर कहा है मेरे मन में एक ही भाव रहा है और वो ये रहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कोई पता होता है तो प्रधानमंत्री के निवास का पता होता है। 7 रेस कोर्स रोड का कोई महत्व नहीं रह गया। अगर कोई पता महत्वपूर्ण बन गया है तो वो है 10 जनपद। 2008 के लोकसभा चुनावों के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहा था। बयान से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया था, राजनीति उबाल लेने लगी थी। आज हर जगह ये आवाज सुनाई दे रही है कि मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री हैं। वास्तव में अगर यूपीए 2 के हालातों की बात करें तो बात गौर करने लायक भी हो जाती है। ऐसे बहुत से कारण सामने आते हैं जो प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हैं। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में महंगाई ने आसमान को छुआ है, सरकार का महंगाई पर कोई काबू ही नहीं रहा है। घोटाले इस तरह से सामने आए हैं जैसे बाढ़ आ गई हो। सरकार मनमोहन सिंह की है लेकिन मंत्रियों पर मजबूत पकड़ सोनिया गांधी रखती है। मंत्रिमंडल भी सोनिया के इशारों पर ही काम करता है और मंत्रिमंडल में भी उनको ही जगह मिलती है जो सोनिया के खास है। एक लंबे वक्त से प्रधानमंत्री को बदलने की भी मांग चल रही है। राहुल के प्रधानमंत्री बनने में मनमोहन सिंह को रोड़ा के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए मनमोहन सिंह को कमजोर बताया जा रहा है। सरकार की सभी आर्थिक नीतियां विफल होती जा रही हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं। मनमोहन सिंह की निर्णय क्षमता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। संसद में मनमोहन सिंह की भूमिका एक मूक दर्शक के जैसी ही रही है, इसीलिए देश मनमोहन सिंह को कमजोर मानने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो कमजोर असरहीन प्रधानमंत्री बने हैं या बनाए गए हैं, ये तो सारी जो इमेज है यहां से तैयार की गई। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका को हमेशा ही एक पिट्ठू की जरूरत होती है, इसीलिए वो हमेशा राजनेताओं का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो देश को मजबूत नेता की जरूरत है और देखते हैं रिपोर्ट। अमेरिका की नीतियां हमेशा तय और निर्धारित रहती हैं। अमेरिका का ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी शत्रु। अमेरिका के लिए अगर कुछ स्थायी है तो वो है उसका राष्ट्रीय हित। अमेरिका हमेशा से ही हर देश में अपने पियादे देखता है और फिर उनको मोहरे बनाकर इस्तेमाल करता है। भारत के साथ भी वो और मनमोहन सिंह उसकी नीतियों को फॉलो कर रहे थे, उसके लिए बाजार दे रहे थे। अब अमेरिका को लगता है कि मनमोहन सिंह उसके लिए ज्यादा लंबी रेस के घोड़ा नहीं हो सकते, इसीलिए मनमोहन सिंह को कमजोर बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा पिट्ठू की जरूरत होती है लेकिन भारत को आज मजबूत नेता की जरूरत है। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में देश को मजबूत नेता की जरूरत है, न कि किसी पिट्ठू की। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज।
तो ये तो थी राजनीतिक गलियारों और अमेरिकी मीडिया की सोच कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है जाना हमारे संवाददाता लाल सिंह ने कि आखिर जनता की क्या सोच इस बारे में। बढ़ती आतंकवादी घटनाएं, लगातार हो रहे घोटाले देश की जनता को इस सोचने पर बाध्य करते हैं कि उनका नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री सक्षम है या अक्षम। आइए, हमारे साथ पिंक सिटी के कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी राय, क्या देश के प्रधानमंत्री सक्षम है या अक्षम। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ये स्थिति है जैसे एक गांव में कहावत है कि जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो कबूतर जब अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और जब मुसीबत देखता है या तो उसकी खुद की बलि लग जाती है और बलि नहीं लगती तो देखता है कि मुसीबत अपने आप टल गई है। तो वो स्थिति हमारे मनमोहन सिंह जी को हो रखी है, उनकी कोई ऐसी कुछ भी ऐसी हालत नहीं है कि वो अपने कोई भी कार्य को परिणाम दे पाए। हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति अभी तक इस तरह की स्थिति है कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि वो बिल्कुल ही मुख बधिर होकर बैठे हैं, न वो कुछ सुनते और न वो कुछ समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सक्षम प्रधानमंत्री है, वो बिल्कुल असक्षम प्रधानमंत्री है। और मैं ये भारतीय जनता से कहना चाहता हूँ कि 1 अरब लोगों का नेतृत्व करने वाला उस तरह का इंसान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के सबसे कमजोर और सबसे अक्षम प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी इस देश में आज विराजमान है। वो जैसे विकलांग कोटे से जैसे बना दिए गए, आदमी हाथ से विकलांग होता है, पैर से विकलांग होता है, मुख बधिर होता है, ये मानसिक रूप से विकलांग है। इनकी मानसिक सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है। जो सोनिया गांधी आदेश देती है, इनको ये नहीं मालूम पड़ता कि आदेश में क्या लिखा हो, इनको खाली यस मैन की भूमिका बना दी। जैसा कि आपने देखा, निर्णय व्यक्ति को महान बनाते हैं और महान निर्णय ही देश के विकास के द्योतक होते हैं, लेकिन युवाओं का साफ कहना है कि देश के प्रधानमंत्री उचित निर्णय और महान निर्णय में सक्षम नहीं है। इसलिए आज तक के इतिहास का प्रधानमंत्री को अक्षम नेता बताया है, अक्षम प्रधानमंत्री बताया है। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ लाल सिंह फौजदार, HBC न्यूज। तो ये थी जयपुर की जनता की राय, लेकिन प्रदेश भर से जो राय जो लोगों की आई है कि आखिर क्या सोचती है प्रदेश की जनता कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे अंकुश लगाने में नाकाम हो रहे हैं और हर तरह से महंगाई से जनता त्रस्त हो रही है। भ्रष्टाचार में हर कोई भी आदमी आंदोलन भी करता है, किसी तरह तक कुछ सुनने वाला नहीं है। सरकार आज जिस तरह विफलताओं का उंदला बना हुआ है, जैसा कि स्पेक्ट्रम घोटाला, ये टूजी घोटाला, फिर ये कोयला घोटाला, इस तरह के कई घोटाले, अगर घोटालों के नाम गिनाते रहे हम तो सुबह से शाम हो जाएगी। जिस प्रकार से सरकार के जो काले कारनामे हैं, रोज मीडिया के माध्यम से आम जनता को जो पता चल रहा है कि सरकार के कितने जो काले कारनामे हैं, आए दिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार के जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे। कभी कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनको ये रोक नहीं पाए, जैसे महंगाई है, इसको नहीं रोक पाए। अब जो आरोप लगे हैं उन आरोप इनके ऊपर सरासर साबित हो रहे हैं, जैसे अभी कोयले का है और दूसरा जो उसका था G2 का था, तो इन मामले में भी शामिल थे, तो इन मामलों को ये रोक नहीं पाए। मनमोहन सिंह जी अपने कार्यकाल में वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरों के हाथ की कठपुतली है, इसलिए खुद सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जो शपथ इनके द्वारा ली जाती है संविधान की, यदि उस शपथ के अनुकूल देखा जाए, आज हमारा प्रधानमंत्री अपने कार्य को संवैधानिक ढांचे में और संवैधानिक ढंग से करने में सफल प्रतीत नहीं होता है। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के सारे देश में चर्चा चल रही है। ऐसी चर्चाओं के बीच हमारा मत है कि मनमोहन सिंह जिस तरह से कार्य कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनकी कार्यप्रणाली से। तो ये सुनिए आपने जनता की राय कि जनता क्या सोचती है कि किस तरह का हो प्रधानमंत्री और क्या कमजोरी है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में। प्रताप जी, एक बात जो निकलकर यहाँ पर सामने आई है कि जनता को लगता है कि मनमोहन सिंह तो अच्छे हैं, लेकिन जो निर्णय वो नहीं ले पाते हैं, इसी वजह से उनका जो सारा कार्यकाल है वो पूरा खराब हो चुका है यहाँ पर। पूनम, वैसे भी देश को निर्णायक नेता चाहिए। अब ये निर्णायक नेता देने का काम कांग्रेस के हाथ में, क्योंकि अभी 2014 में चुनाव का समय बचा हुआ है, क्योंकि आका जो अमेरिका है उसने भी साथ छोड़ दिया है मनमोहन सिंह का। अब कांग्रेस को चाहिए कि यदि वो मनमोहन सिंह को कमजोर मानती है, जिस तरह से बार बार बातें उठती है युवा नेतृत्व की, राहुल गांधी के नेतृत्व की, और मनमोहन को पूरा अधिकार देने की, उनको पूरी छूट देने के हक में नहीं है, तो ऐसे में वो नेतृत्व को बदल डाले। हमें हमारे देश को एक ऐसा निर्णायक प्रधानमंत्री चाहिए जो निर्णय कर सके, जो बोल सके, जो बता सके, जो घोटालों पे कार्रवाई कर सके, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। निश्चित तौर पे या तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उठना होगा, जगना होगा,
या कांग्रेस को देश को नया नेतृत्व देना होगा। जी बिल्कुल प्रताप जी, यानी कि कहा जाए कि एक निर्णायक जो प्रधानमंत्री है जनता वो चाहती है, एक अरब की जनता है वो चाहती है कि एक ऐसा कद्दावर प्रधानमंत्री हो जो अपने खुद के निर्णय खुद ले सके और विकास की एक लहर दौड़ा सके। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, आप देखते रहिए HBC News। नमस्कार।